अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल अचलताल के सुंदरीकरण में आड़े आ रही 5 दुकानों को तोड़ने के लिए बुधवार को पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। काफी देर तक दुकानदारों से नोकझोंक हुई और हंगामा हुआ। दुकानदार व अफसरों ने मेयर प्रशांत सिंघल से भी बातचीत की। दुकानदारों को 3 दिन का समय देकर टीम लौट गई। ACM प्रथम मोहम्मद अमान व सहायक नगर आयुक्त TP सिंह टीम के साथ पहुंचे। टीम के साथ पहुंची JCB को देखते ही दुकानदार विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा कि दुकानों को नहीं तोड़ने देंगे। दुकानों पर मालिकाना हक जताते हुए कहा कि मेयर के सामने पूरी बात रखी जाएगी। अफसरों ने भी मेयर से बात की। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त TP सिंह ने बताया कि 5 दुकानें हटाई जानी है। अचलताल के परिक्रमा मार्ग में ये आ रही है। इस जमीन सरकारी है। 1 साल से कोई किराया दुकानदार नहीं दे रहे हैं। दुकानदारों को 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद दोबारा से कार्रवाई होगी। विरोध करने वालों में दुकानदार संदेश राज, अर्जुन सिंह, सोनू कुमार, चेतन चक्र, निकुंज शेखर आदि शामिल रहे। स्मार्ट सिटी की ओर से अचलताल का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। विगत लगभग 2-2.5 सालों से इसके आगे का काम रुक गया है, क्योंकि इसके आगे 5 दुकानें हैं। इनको उच्च अधिकारियों द्वारा हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें ये दुकानदार जो आपके सामने खड़े हैं, इनका कहना है कि हमें 4 दिन का और समय दे दिया जाए, वार्ता करके और दुकान ये खाली कर देंगे, स्वतः खाली कर देंगे। 4 दिन का समय दिया गया है। मंडे को हम लोग यहाँ पर फिर उपस्थित होंगे। नगर निगम द्वारा किस तरह की शहर में संदेश कार्रवाई के लिए दिया है, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शहरवासियों से, शहर के दुकानदारों से, रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से ये अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, उन मुख्य मार्गों पर नाली के आगे या नाली के ऊपर या सड़क पर कोई भी दुकानदार भाई अपना सामान न रखें। नाली के पीछे बैठें, अपनी दुकान में बैठें। सड़क पे जो ठेली वाले हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो एकदम नाली के सहारे अपना ठेला लगा के रखें, बीच सड़क पे ना आए। ये हमारा अभियान आज से शुरू हो गया है और लगातार हम 15 दिन में पूरे शहर के प्रमुख मार्गों को सब पे अभियान चलाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, जैसे दुकानदार क्या है, बार बार अपना सामान पूरा आधी सड़क तक घेर लेता है, ऐसे दुकानदार अगर नहीं मानेंगे तो उनका सामान जब्त किया जाएगा और कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। और रेहड़ी पटरी वाले, ये जो बीच सड़क में आ जाते हैं, इनको हम किनारे खड़े होने कहते हैं, नाला साइड में खड़े रहें, अपना सामान बेचें, रास्ता भी चलती रहे, उनका काम भी चलता रहे। वो भी बीच सड़क में आ जाते हैं, अगर वो भी नहीं मानेंगे तो 5,000 रुपया उन पर जुर्माना लगाऊंगा और दुकानदारों पर 10,000 रुपया जुर्माना लगाऊंगा। ये हमारा आज से पूरे शहर में 15 दिन का प्रोग्राम हमने जारी कर दिया है और वो आपको मिल जाएगा। नगर निगम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर 25 करोड़ की लागत से अचल सरोवर का, उसमें दुकानें बन गई हैं, जबकि इसमें कमर्शियल नहीं होना चाहिए था। आप लवर पॉइंट बना रहे हो एक आस्था के केंद्र को, यहाँ पर सभी भगवानों के, देवी देवताओं के मंदिर थे, आपने वहाँ पर कमर्शियल कर दिया दुकानें लगाने के लिए, और आपने इस तरह से बना दिया है कि वहाँ पर लव पॉइंट बना दिया है। आपने आस्था को ख़त्म करने का कार्य किया है। पहली बात तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ये ज़मीन, इसमें जो ज़मीन है ये, उसमें ये कमर्शियल होने नहीं चाहिए था। और अब जो अभी की जो व्यवस्था है, ये केवल 5 दुकानदार हैं, जिसमें 2 वाल्मीकि हैं और 2 हमारे अन्य समाज के लोग हैं, उनको केवल हटाने का कार्य किया गया है। उनको बिना कोई नोटिस दिया, बिना कोई शासन के आदेश दिए गए, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भ्रष्टाचारी और दलाली करने के ये नगर निगम के अधिकारी मन में हैं। हमने आज यहाँ पर कड़ा विरोध किया था कि भाई अगर यहाँ पर ये दुकानों को और हटाया जा रहा है तो उनको ये शासन की, इसमें नगर निगम के किसी अधिकारी के तनख्वाह से नहीं बनी है ये दुकानें, ना ही किसी की संपत्ति से बनी है। ये योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार के जो सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है स्मार्ट सिटी के, शासन के पैसे से बनी है। भाई आप अगर गरीबों की अगर किसी की दुकान ले रहे हो तो उनको दुकानों में उनको अलॉट कर दो एक एक दुकान, वही उनका सामान अगर वहाँ पे अगर आप निकलवा के रखवा दोगे, आपको सब दुकानदार चाबी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डंडे के बल पर नगर निगम और दादागिरी से और गुंडागर्दी से दुकान खाली कराने के उसमें आए थे आज। आज यहाँ पर अलीगढ़ की जनता ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया और आगे भी किया जाएगा। हमारी यही मांग है कि हमें दुकान के बदले दुकान दी जाए और हम सौंदर्यीकरण के और विकास के, हम सब दुकानदार और अलीगढ़ की जनता सब उसके साथ हैं। बस हमारी यही मांग है कि नगर निगम अपनी हिटलर शाही नहीं अपनाए, डंडे के बल पर कोई दुकानें नहीं दी जाएंगी, ना ही कोई मंदिर हटाया जाएगा। तो केवल सौंदर्यीकरण करें, केवल इसमें भ्रष्टाचार और जो दलाल
के इच्छुक जो हमारे अधिकारी हैं उनको केवल सौंदर्यीकरण के आगे आना चाहिए और दुकानों को जो गरीब दुकानदार हैं उनको दुकान अलॉट कर देनी चाहिए। इतना विवाद ही नहीं होना चाहिए था। तो हमारी यही मांग है